नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? आज हम बात करेंगे विश्वास के नियामकों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे एस्टर के बारे में। क्या आप जानते हो एस्टर के कुछ गुण क्या थे? हम उनके गुण में देख सकते हैं कि वो एक साधारण महिला थी, वो वफादार थी और वो हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहती थी। उनमें एक साहस था, वो कृतज्ञता थी। हम एस्टर के इन गुण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या आप जानते थे कि एस्टर मर्दकाई की कजन थी और वो एक यहूदी थी? मर्दकाई ने एस्टर का ख्याल रखा था जब एस्टर के माता पिता का मौत हो गया था। एस्टर एक बहुत खूबसूरत महिला थी, पर उन्होंने अपनी इस खूबसूरती को खोया नहीं। यहाँ तक कि जब वो राजाओं के महल में रह रही थी, वहाँ पर और भी बहुत से खूबसूरत महिलाएं थी। एस्टर ने लोगों को एक अंतर दिखाया कि जिस तरह से वो व्यवहार कर रही थी, वो साधारण तरीके से हमेशा एडवाइस को सुनती थी और तैयार रहती थी कि उसका आज्ञा का पालन करें। तो मर्दकाई ने एस्टर से कहा कि आप अपने बारे में, अपने यहूदी होने के बारे में किसी से नहीं बोलोगे, और एस्टर ने बिना सवाल किए आज्ञा का पालन किया। वो हमेशा अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में देती थी, हमेशा परमेश्वर से दिशा पूछती थी। एस्टर जो परमेश्वर में विश्वास करती थी, उनको अन्याय नहीं पसंद था, पर उसके बिल्कुल उल्टा, वो हमेशा सच्चाई से कार्य करती थी और हमेशा ईमानदार रहती थी और वफादार रहती थी। तो ये जरूरी है कि हम सामना करें उन सारे चीजों को जो हमारे अंदर डर लेकर आता है। और जब यहूदी के राजा ने कहा कि सारे यहूदी लोगों को मार दिया जाएगा, तो एस्टर को पता था कि उसको जाकर राजा से बात करनी है, पर उनको ये भी पता था कि उनके पास ये अधिकार नहीं है। तो एस्टर ने अपने आप को परमेश्वर पर निर्भर किया, अपने लोगों के साथ में प्रार्थना और उपवास के द्वारा। बच्चों, आपको पता है परमेश्वर पर निर्भर होने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में देते हो। जब हम ये करते हैं तो परमेश्वर को हम बता रहे हैं कि वो हमें वो कंडीशन दे कि हम हमेशा जीत सके। तो प्रार्थना और उपवास के बाद में एस्टर ने अपने आप को तैयार किया कि वो जाकर राजा से मिल सके। वो जानती थी कि उसके जान को खतरा हो सकता है। वो हमारे लिए एक उदाहरण है कि वो साहसी थी, मजबूत थी, और किस तरह से वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी। तो इसी वजह से परमेश्वर ने उसको सम्मान दिया, उनके लोगों जो थे यहूदी लोगों को जीत देकर। और ये है परमेश्वर की आत्मा जो हमें हर एक परिस्थिति में जीत दिलाती है। तो हमेशा हमें इस सम्मान, इस ताकत का खोज करना है जो सिर्फ परमेश्वर हमें दे सकता है। कोई भी जीत हमें बिना लड़ाई से नहीं मिल सकती। तो परमेश्वर ने एस्टर के अंदर वो विश्वास देखा और कि एस्टर परमेश्वर पर भरोसा करती थी। और आप सब लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। और हमें भी ये सीखना है किस तरह से हम परमेश्वर के प्रति वफादार रह सकते, सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं, पर साधारण चीजों के लिए भी, और उन चीजों के लिए भी जो अभी तक हमें नहीं मिला, पर हमें विश्वास है कि हमें मिलेगा। और आप, क्या आपने परमेश्वर को आज धन्यवाद दिया है? मैं चाहती हूँ कि आप आज एस्टर की बुक पढ़ें, बाइबल में पूरी किताब पढ़ें और अपने आप को देखें और चेक करें कि क्या आपने किसी चीज के लिए परमेश्वर को आभार व्यक्त नहीं किया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगले समय तक बाय।